अब देखिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इफ 1 + x^n इक्वल्स टू समीशन ऑफ NcRx^r, आर इक्वल्स टू 0 to n, एंड देन यू हैव टू प्रूव दैट, देन प्रूव दैट C1² प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2² प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3² प्लस 4 टाइम्स ऑफ C4² एंड इट गोज अप टू n टाइम्स ऑफ CN². ये कंफर्म है कि ये वैल्यू जो है अलग लिखी हुई है। दिस इज 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, इस पे हम थोड़ी डिफरेंट अप्रोच लेंगे। मान लीजिए इसको, जैसे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यू स्क्वायर्ड भी हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स स्क्वायर हो रहे हैं और उनके आगे कांस्टेंट भी आ रहे हैं, तो दोनों चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो इस पे देखिए कैसे काम करेंगे। इसको पहले ओपन कर लीजिए आप। इसको लिखेंगे 1 + x^n इक्वल्स टू NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² NC3x³। ठीक है, और एक और लिख देता हूँ NC4x^4 NCnx^n। अच्छा, इसको हम 1 टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन का यूज आएगा, राइट? तो देखिए क्या आना, ये हो जाएगा n इंटू 1 + x^n-1। डिफरेंशिएटेड हुआ, x^n वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 कांस्टेंट है तो उसका तो 0 ही आएगा, तो डेरिवेटिव आपको इनिशियल मालूम होंगे, तो इस तरह से खत्म हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट किया एंड दिस गिव द NC1 प्लस, ये देगा 1 टाइम्स ऑफ NCn, लिख लूँ मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ NC2 लिख देता हूँ, और x बचेगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ NC3 NX² बचेगा। यहाँ पे पावर 2 रह गई, 1 रह गई और इसमें 2 रह गई, और इसमें लिख सकता हूँ मैं 4 टाइम्स ऑफ NC4 NX³। और लास्ट में आ जाएंगे NCn इनटू, इसका जो n आगे आएगा उसको कांस्टेंट के आगे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड NCn x^n-1। लेट से इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, इसको एक और तरह से भी लिखा जा सकता है, कैसे कि इसको मैं पलट के लिख दूं, ऑल्सो x+1 n इक्वल टू, तो इसमें आ जाएगा NC0 x^n प्लस NC1 x^n-1 NC2 x^n-2 NC3 x^n-3। इस तरह से हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। लेट से इक्वेशन 3। ठीक है, और जब हमने इसको डिफरेंशिएट, इसको दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इसमें चाहिए C1² तो देखिए C1 ये रहा, C1² ही आ रहा है। ठीक है, और C2² जो आएगा उसके साथ में देखिए 2 आएगा, तो आ रहा है, डेफिनेटली 2 आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, मल्टीप्लाइंग सेकेंड एंड थर्ड, तो ये देगा n टाइम्स ऑफ 1 + x^n, इसको लिख सकते हैं 2n-1, पावर ऐड हो जाएगी 2n-1, राइट? और ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, 1 टाइम ऑफ NC1 प्लस 2 टाइम ऑफ NC2x प्लस 3 टाइम ऑफ NC3x², ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इनटू सेकेंड वाला, इसका लिख लेंगे ये, सो दैट इज द NC0 x^n प्लस NC1 x^n-1 प्लस NC2 x^n-2, और ये भी आगे चला जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करोगे कि देखो जो रिक्वायरमेंट है, आगे जो कांस्टेंट था इसका, इसमें 1 मान लीजिए, नहीं था तो 1 है, और 1 2 3 ये भी चल रहे थे, और कॉफिशेंट के स्क्वायर जा रहे थे, कॉफिशेंट के स्क्वायर जा रहे थे। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि
जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो कैसे पूरी होगी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो देखिए सी वन स्क्वायर आ जाए तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन कंपेयर हो, इसमें कॉफिशेंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन कंपेयर हो, सी टू स्क्वायर बताइए, देखिए एन सी टू है तो एन सी टू स्क्वायर आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी जो हमने जैसा रिजल्ट बनाया इस तरह के आंसर इस तरह से सामने आने लगा, राइट। तो आप कंपेयर कराओगे, कंपेयरिंग कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है ये वाला कॉफिशियंट कंपेयर कराओगे और इसमें आप लिख लोगे एन, कॉफिशियंट लिखोगे तो कितना आएगा इसमें, दिस इज टू एन माइनस वन सी कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन, टू टू एन माइनस वन सी एन माइनस वन इक्वल्स टू, और इसमें बनेगा सी वन स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ सी टू स्क्वायर, थ्री टाइम्स ऑफ सी थ्री स्क्वायर, फोर टाइम्स ऑफ जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो गई, फोर टाइम्स ऑफ सी फोर स्क्वायर और लाइक दैट। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज एन टाइम्स टू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर की जगह एन माइनस वन है, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करना होता है तो इसको लिखेंगे टू एन, अच्छा वन कैंसिल हो जाएगा टू एन माइनस एन, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, इक्वल्स टू, नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड दिस इज एन फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा और ये जैसे वैल्यू है इसकी ये प्रूव होनी थी, देखिए अभी कैसा होता है, टू एन माइनस वन ऑलरेडी आ रहा है न्यूमरेटर में, लेकिन ये सब गायब होना चाहिए, एन गायब होना चाहिए तो हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे एक एन कॉमन निकाल लेंगे बाहर, एन बाहर कर दिया तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बना देगा आपको टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये एन माइनस वन फैक्टोरियल का स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ द रिजल्ट इज प्रूव्ड।